राधा कुंड तटे कलिंद तनया तीरे चवन शिवटे। और हे राधे ब्रज देवी के चललीते, हे नंद सुनो कुत, श्री गोवर्धन कल्प पादपतले कालिंदी वन न्ये कुलह घोषंता विति सर्वतो व्रज पूरे खेदे महाविहवलो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गो पालको आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षात्म एकम पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुधित्वां शरणं प्रपन्ना। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, शिशड़ गोस्वामी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को
परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त गण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठ एवं अंतिम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि तीन प्रकार के लोग होते हैं। फर्स्ट क्लास के लोग वो होते हैं जो दूसरों के अनुभव से स्वयं अनुभव कर लेते हैं, दूसरों के अनुभव से स्वयं सीख जाते हैं। मान लो कोई मार्ग में चल रहा है और उसको ठोकर लगी, वो गिर गया, तो उसके पीछे चलने वाला यदि अपना मार्ग बदल ले तो वह बुद्धिमान माना जाता है कि भाई वो गिरा है, अब मैं भी गिरूंगा। कोई चोर चोरी कर रहा है और चोरी करते हुए पकड़ा गया, जेल में दंड दिया गया, तो दूसरा चोर यदि सोचे कि अब मैं भी पकड़ा जाऊंगा, मुझे भी दंड मिलेगा, मैं चोरी करना बंद कर दूं, तो उसे बुद्धिमान माना जाता है, फर्स्ट क्लास का आदमी। जो दूसरों के अनुभव से अनुभव कर ले वो फर्स्ट क्लास का आदमी है। जो अपने जीवन में अनुभव होने के बाद सुधर जाए, संभल जाए, अपने मार्ग को संभाले और संवारे, तो वो सेकंड क्लास का आदमी है। लेकिन जो दूसरों को देखकर भी नहीं समझता, अपने जीवन में बार बार होने अनुभव होने पर भी नहीं संभलता समझता, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो थर्ड क्लास का आदमी है, वो बिल्कुल नीची कैटेगरी का आदमी है, जो अपने जीवन में अनुभव से। लेकिन फर्स्ट क्लास का व्यक्ति वो है जो दूसरों के अनुभव से अपने जीवन को संभाल लेता है। आज हमारा परम सौभाग्य है, उसी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम आचार योग का जीवन, आचार योग का अनुभव, इन आचार योग की प्रेरणा से हमारे जीवन को सुधारने का, संभालने का और संवारने का यह सुंदर अवसर, यह सुंदर लाभ प्राप्त हुआ है। पिछले लगातार 5 दिनों से षड गोस्वामी जैसे संत आचार्यों की जीवनी हम सुन रहे हैं। यदि मोटा मोटी इमीडिएटली मेरे मन में ये बातें आ रही हैं कि मन में प्रश्न हो, इन आचार्यों से हमें क्या अनुभव लेना है, इन आचार्यों से हमें क्या सीखना है, इन सभी आचार्यों के जीवन में हमने देखा कि सभी आचार्यों के अपने अपने एक विग्रह है। श्री रूप गोस्वामी के गोविंद देव, सनातन गोस्वामी के मदन मोहन, कल सुना गोपाल भट्ट गोस्वामी के राधा रमण, रघुनाथ भट्ट ने तो भागवत को ही अपना विग्रह बना लिया था, रघुनाथ दास गोस्वामी गोविंद देव और दामोदर में लगे थे, आज हम सुनेंगे श्रीपाद जीव गोस्वामी के प्राणधन राधा दामोदर। इन आचार्यों की जीवनी से मतलब इमीडिएट, अब इतना सारा आपने सुना है लेकिन मन में आज अंतिम दिन है, पूर्णाहुति का समय, तो भाई हम इनसे क्या सीखे। अब ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सब बुद्धिमान हो, लेकिन फिर भी आचार्यों से सबसे पहले एक चीज तो ये फाइनल होती है, निष्कर्ष निकलता है कि हमारे अपने पर्सनल प्राण धन होने चाहिए। जैसे रूप गोस्वामी के अपने विग्रह है,
सनातन गोस्वामी के अपने, गोपाल भट्ट के अपने, वैसे हमारे अपने विग्रह, हमारा अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण के किसी ना किसी रूप से होना चाहिए। आचार्यों से हमें ये सीखना, ये अनुभव लेना है। और उसमें भी हम सब संसारी है, हम गृहस्थ है। गृहस्थों को तो प्रथम जिम्मेवारी होती है कि वे अर्च विग्रह की सेवा करें, अर्च विग्रह की पूजा करें। शादी करते ना, हम सब शादी करके ही बैठे हैं, शादी की सीजन चल रही है, तो शादी को हमारे वहां कहते हैं विवाह। क्या कहते हैं? विवाह। विवाह का अर्थ क्या होता है? कवि लोग तो अपनी अपनी बातें करते हैं जिसमें विशेष वाह वाह होती है। वाह वाह, क्या कपड़ा पहना, वाह क्या परफ्यूम डाला, वाह क्या भोजन बनाया, वाह। जहां विशेष वाह वाह होती है तो लोग उसे विवाह कहते हैं। लेकिन संतों ने बहुत सुंदर अर्थ किया कि एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा संस्कार है जहां पर एक स्त्री और पुरुष, वी माने विष्णु और वाह माने रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऐसा परिणय, एक ऐसा प्रसंग जहां पर एक स्त्री और पुरुष भगवान विष्णु को वाह, वी माने विष्णु, वाह माने उठाना, विष्णु की सेवा की जिम्मेवारी उठाते हैं, उसे विवाह कहा जाता है। संतों का यह मानना है, हमने विवाह तो किया लेकिन विष्णु की जिम्मेदारी नहीं उठाई। न हमारे कोई प्राण धन है, हमारा तो एक ही प्राण धन है, वो है पैसा। पैसों मारो परमेश्वर है? लेकिन विवाह का वास्तविक अर्थ होता है स्त्री और पुरुष, पति पत्नी के द्वारा भगवान विष्णु की सेवा की जिम्मेवारी। और संतों ने यह भी कहा कि विवाह होने के बाद यदि विष्णु की सेवा न हो तो विवाह में से वी माने विष्णु को निकाल दीजिए तो क्या बचेगा? आह आह। कोई कोई मारता है तो आह होती है ना, आह आह, फिर रोज आह आह होती रहेगी यदि वी विष्णु को निकाल देंगे। शादियों में जाते हो ना आप लोग, तो ये सब बताइएगा उन लोगों को कि केवल ढोल नगाड़े बजाना, घोड़े पर चढ़ना ही विवाह नहीं है। विवाह माने भगवान के सेवा की जिम्मेवारी होती है। सो आचार्यों की जीवनी हम सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे, भगवत कृपा रही। लेकिन मोटा मोटी हमें आचार्यों से ये मिलता है कि हमें अपने विग्रह होने चाहिए और रोज उस ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। दूसरा, किसी भी आचार्यों ने दुकान में जाकर या लोही बाजार में जाकर विग्रह को खरीदा नहीं है। ध्यान रहे, 200, 500, 1000, 2000, 20000 देकर मूर्ति को घर लेकर आए, हमारे ठाकुर जी हमारे विग्रह। अच्छा, किसी भी, आप देखिए, आपने आज तक कथा सुनी कोई आचार्य दुकान से खरीद कर लाया? नहीं। रूप गोस्वामी को गोमा टीला से गोविंद देव जी मिले, सनातन गोस्वामी को मथुरा से उस चौबे जी के घर से मदन मोहन, वो भी स्वप्न में आए। गोपाल भट्ट गोस्वामी को भगवत कृपा से राधा रमण मिले। आज हम सुनेंगे जीव गोस्वामी ने स्वयं दुकान से नहीं खरीदा, उनके गुरु रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को राधा दामोदर प्रदान किए। ये हमारा इतिहास है कि दुकान से। फिर श्रीरंगम क्या भी हमने सुना कि इश्वाकू महाराज ने, चाहते तो बना सकते थे ना कार्विंग करके, नहीं, ब्रह्मा जी ने उनको विग्रह दिए। ये परंपरा है भक्तों। हमारा क्या है ना, दिखावे का जमाना, फलाने के घर में ये विग्रह तो हम ये खरीद कर लाएंगे, हम उससे बड़ा लाएंगे, बस दिखावा। मैं अक्सर कहता हूं कि तुलसी की कितनी भी महंगी माला खरीद कर जाप करो तो वह केवल जाप है, लेकिन वही माला गुरु अपने हाथों से देते हैं
तो वह दीक्षा हो जाती है, और जब गुरु वह माला देते हैं तो उस माला को सिद्ध करके देते हैं और हमारे अंदर योग्यता को भर देते हैं। तो हमें अर्च विग्रह की सेवा पूजा अपने मनमाने ढंग से नहीं, किसी गुरु के अंडर में जाना चाहिए। अब आचार्यों के बारे में सुना, अपने अर्च विग्रह होने चाहिए, तो हम दौड़ना मतलब भाग दौड़ मत कीजिएगा कि यहां से लेके आ गया, यहां से दुकान से खरीद कर। ये दुकान से खरीद कर लाते हैं ना, वो कभी कभी हमको भी कहते हैं हमने लड्डू गोपाल खरीदे। अब हम उनको क्यों कहे, क्योंकि जीव जब तक शरणागति नहीं है तो हम उनको ज्यादा क्या बताएंगे। दुकान से खरीदा हुआ विग्रह केवल एज अ प्रैक्टिस अभ्यास है, वो कोई सेवा नहीं है। सेवा तो जब गुरु देते हैं तब होती है। अब आपने दुकान से खरीद कर रखा है तो छोड़ मत देना, लेकिन जिन्होंने दुकान से खरीद कर रखा है वो अपने गुरु के पास जाए और गुरु से उनको सर्टिफाइड कराए कि मैं ये कर रहा हूँ, ये ठीक है, नहीं ठीक है तो मैं कुछ और करता हूँ या करती हूँ। ये सब हमको सीखना है। भक्ति भी करनी चाहिए तो किसी गुरु के सानिध्य में रहकर, न कि मनमाने ढंग से। आजकल भक्ति राज्य में मनमाना, कृष्ण ने गीता में कहा मन मना भव, लेकिन हो गया है मन माना भव। थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज करके हम लोग क्या कर दिए, मन मना को मन माना कर दिए। तो मन माना नहीं होता, भक्ति थोड़ी करो लेकिन गुरु के अंडर में रहकर करो, तो तुरंत प्रगति होगी, वह भाव वह प्रेम भक्ति उजागर होगी। यहां तो सेल्फ ईगो इतना है कि गुरु के शरणों में जाने में भी लज्जा आती है, गुरु बनाने में भी लज्जा आती है। और कुछ लोग गुरु बनाकर रखे तो वन साइड, हमारे वहां कहते ना वन साइड लव है। कई लोग भ्रम में हैं कि लाल गोविंद हमारे गुरु है। भ्रम में मत रहिएगा, मैं किसी का गुरु नहीं हूं। गुरु कुछ और होता है, गुरु और शिष्य का संबंध कुछ और होता है, उनमें शरणागति होती है, और जब शरणागति होती है तो आज्ञा मिलती है, और वह आज्ञा और गुरु के मुख से सत्य सुनने की ताकत भी होनी चाहिए। हमारे आध्यात्मिक जीवन में ये सब डेवलप करना है। तो इन आचार्यों की जीवनी से थोड़ा सा ब्रेकडाउन करके देखा जाए तो हमें क्या क्या सीखना है। एक तो हमें अर्च विग्रह की सेवा करनी है, लेकिन वो सेवा गुरु के अंडर में रहकर, गुरु के माध्यम में रहकर, कहीं से खरीद कर नहीं। शालिग्राम शिला के विषय में तो सिद्धांत ही कहा गया कि शालिग्राम कभी खरीदी नहीं जाती, वो कहीं से मिले, कोई गुरु कोई वैष्णव दे तो सेवा होती है, बाकी खरीदी हुई शालिग्राम सेवा शिला की सेवा हो ही नहीं सकती, वो मानी ही नहीं जाती। ये सारी बातें हैं, इसलिए ये बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि हम भगवान की सेवा करें, लेकिन उस सेवा की योग्यता तो होनी चाहिए ना। तो हमारा पूरा प्रयास योग्य बनने के लिए होना चाहिए। जिस दिन हम योग्य होंगे गुरु सामने से हमें सेवा प्रदान करेंगे, पहले योग्यता हासिल करें। एक ठीक है, तो दो चीज हो गई, अर्च विग्रह की सेवा, और दूसरा है कि प्रत्येक सेवा गुरु के अनुशासन में रहकर। तीसरा पॉइंट इन आचार्यों से बहुत सुंदर हमें जानने मिला, इन आचार्यों ने अपनी मन की इच्छा को प्रधानता नहीं दी, अपने मन की इच्छा को प्रधान नहीं रखा। इन आचार्यों के मन में अन्य बहुत लालसा इच्छा कामना होती थी, लेकिन अपने मन को मार कर, अपने मन की इच्छा को दबाकर इन आचार्यों ने, इन षड गोस्वामी ने अपने गुरु की इच्छा से ही अपनी इच्छा को समझा। अपनी मन की इच्छा को गौण मानकर गुरु की आज्ञा को ही इन्होंने उत्तम माना,
तो ये चीज हमें सीखने मिलती है। चौथी चीज, इन समस्त आचार्यों ने वृंदावन भूमि को अपना अंतिम लक्ष्य या डेस्टिनेशन बनाया। हम सब के मन में ये भाव होना चाहिए कि हमारा अंतिम डेस्टिनेशन ब्रजवास हो, वृंदावन वास हो। और इन आचार्यों के जीवन में, इनका जीवन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वैराग्यपूर्ण जीवन हुआ करता था। बहुत कम वस्तु में ही अपना जीवन बिताते थे, लेकिन विचार इनके बहुत ऊंचे हुआ करते थे। तो इस प्रकार का उनका जीवन था। और इतना वैरागीपूर्ण जीवन बिताते हुए भी इन्होंने परोपकार नहीं छोड़ा, ये भी सीखने लायक है। जीवन में कितनी भी कठिनाई तकलीफ आ जाए, लेकिन परोपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण ने कह दिया, हे अर्जुन, यज्ञ दान तपसा न त्याज्यम एव पावनानी मनीषिणाम। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी ऊंचा हो जाए, इवन बहुत बड़ा मुनि साधु संत बन जाए, लेकिन तीन वस्तु तो कभी किसी को त्यागनी नहीं चाहिए, और वह है यज्ञ, दान और तपस्या। तो दान कंसीडर होता है परोपकार में, भगवत कथा का दान, गीता का दान, भागवत का, किसी भी व्यक्ति को त्यागना नहीं चाहिए। सो इस प्रकार हमारे आचार्यों की जीवनी से हमें ये सीख प्राप्त होती है। आइए, षड गोस्वामी अष्टकम के शेष दो श्लोक बचे हैं। बहुत सुंदर कहते हैं कि षड गोस्वामी गण वृंदावन में रहकर क्या करते थे। तो कहते हैं, राधा कुंड तटे कलिंद तनया, तीरेच वंशी वटे, प्रेमोन्माद वशाद शेष दशया, ग्रस्तो प्रमत्तो सदा। क्या करते हैं? बोले, राधा कुंड के तट में, एक श्री राधा कुंड के तट पर, दूसरा कलिंद तनिया, कलिंद की कनिया, कलिंद की पुत्री, कालिंदी माने यमुना। तो कलिंद तनिया तीरे, यमुना के तीर पर, च वंशी वटे, और तीसरा है वंशी वट में। तो राधा कुंड के तट में, या कालिंदी के तट में, या वंशी के वट में, प्रेमोद्माद वसाद शेष दशया, इनकी दशा कैसी होती थी? प्रेम उन्माद, प्रेम, इतना प्रेम होता था, प्रेम के कारण उन्माद होता था, और उसके कारण उनको भगवान के विरह की वेदना होती थी। तो प्रेम और विरह की वेदना ग्रस्तो, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रेम और विरह की वेदना इनको ग्रस्त कर चुकी थी। ग्रस्त करना समझते ना, पकड़ लेना। इनको किसने पकड़ लिया था? प्रेम, और प्रेम के कारण भगवान के विरह ने इनको पकड़ लिया था। तो ये ग्रस्तो शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जब कई बार हम लोग भागवत सुनते हैं, भागवत का दशम स्कंद, गोपियों की दशा, गोपियों की लीला, तो हम में से कुछ लोग सोचते हैं, अब हम भी गोपियों की तरह प्रेम करेंगे, हम भी गोपियों की तरह विरह करेंगे। ये विरह करेंगे थोड़ी होता है, विरह करना थोड़ी होता है। हम साधना करें, भक्ति करें, साधना भक्ति करते 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 ये दशा हमको पकड़ती है, हमको इस दशा को नहीं पकड़ना है, बात याद रखें। देखिए, हम प्रेम को नहीं पकड़ते। आपको पूछा जाए, मान लो भौतिक संसार में भी एक लड़के का किसी लड़की से प्रेम हो गया, तो उस लड़के को पूछा जाए कि तेरा इस लड़की से प्रेम किस तारीख को हुआ
कौन सी तारीख और कौन से टाइम में प्रेम हुआ, तो क्या ये संभव है? ये कोई पॉसिबल है? ये हो जाता है, प्रेम करना नहीं पड़ता, वो पकड़ लेता है। और वो कब शुरू हो जाता है, कब पकड़ लेता है, न समय न तारीख कोई बांध नहीं रहती। तो कुछ लोग स्वयं विरह करना चाहे तो ये अपने से नहीं होता, ग्रस्तो माने विरह हमको ग्रस्त करता है। साधना करे, भक्ति करे और धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोग्रेस करे, तब ये दशा हमको पकड़ती है, हमें उस दशा को नहीं पकड़ना है। सो प्रेमोन्माद वशाद शेष दशया, प्रेमोन्माद की दशा ग्रस्तो उनको ग्रस्त कर चुकी थी, और उस प्रेम के मत में, उस प्रेम के नशे में सदा मतवाले रहते थे। और जो प्रेम करेगा तो तीसरी लाइन में वो गाएगा, इसलिए गायन तो चकदा हरेर गुण वरम, निरंतर हरि के गुण को गाते थे, और हरि के गुण को गाकर उस हरि के सेवक, हरि के प्रेमी के भाव में अभिभूत रहते थे, और मुदा इसी में ही वे आनंद किया करते थे। ऐसे रूप सनातन रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास जी और गोपाल भट्ट गोस्वामी को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अच्छा, वृंदावन में रहकर अभी आपने जो सुना ये इनकी बाहरी स्थिति थी। षड गोस्वामी अष्टकम के अंतिम श्लोक में अब षड गोस्वामी में की वृंदावन में रहते हुए आंतरिक स्थिति क्या थी। हम लोग भी ब्रज वृंदावन में जाते ना, तो हमारी आंतरिक स्थिति क्या होती है, रूम अच्छी मिलेगी कि नहीं, भोजन टाइम पर मिलेगा कि नहीं, गाड़ी अच्छी मिलेगी कि, ये सब हमारी आंतरिक स्थिति होती है। लेकिन हमारे षड गोस्वामियों की ब्रज में रहते हुए आंतरिक स्थिति क्या थी, बोले इनके हृदय में एक ही भाव था, हे राधे, हे ब्रज देवी के, हे ललिते, हे नंद सुनो कुतह, तुम लोग कहाँ हो। ब्रज में रहते हुए इनको खोजते थे, क्योंकि भगवान आज भी ब्रज में लीला करते हैं। तो हे राधे, हे ब्रज देवी के, हे ललिते, हे नंद सुनो कुतह, तुम कहाँ हो। श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, गोवर्धन के किसी कल्प वृक्ष के तल में, कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हो, या फिर कालिंदी वनिये, या फिर कालिंदी के तट पर, कालिंदी के तट पर जो वन है उस वन में हो, कुत तुम कहाँ हो। बस रात दिन ब्रज में विचरण करते हुए इसी भाव में घूमते थे, कृष्ण को, राधा रानी को, ललिता विशाखा को खोज रहे थे। घोषंता विति सर्वतो व्रजपुरे, इस प्रकार विरह ताप में ये जोर जोर से उच्चारण करते थे, खेदे महाविह्वलो। और कृष्ण का, राधा रानी का दर्शन नहीं होने पर इनको बहुत पीड़ा होती थी, ये बहुत विह्वल होते थे, और रात दिन कृष्ण का दर्शन करने के लिए विचरण करते थे। इस प्रकार संक्षिप्त में षड गोस्वामी अष्टकम यहाँ पर समाप्त हुआ। तो ये हमारे षड गोस्वामी की स्थिति, परिस्थिति का वर्णन इस षड गोस्वामी अष्टकम में किया गया। हमने षड गोस्वामी में से पांच गोस्वामी की जीवनी संक्षिप्त में श्रवण की। आइए अब अंतिम गोस्वामी और सबसे छोटे छह गोस्वामियों में सबसे छोटे गोस्वामी, या कहा जा सकता है कि अंतिम गोस्वामी, मतलब सबसे लास्ट में जो भगवत धाम में गए, वो है श्रीपाद जीव गोस्वामी। अद्भुत गोस्वामी है ये, इनकी यादें और इनकी बहुत सारी चीज़ें आज भी वृंदावन में स्थानों में उपस्थित है, क्योंकि ये लास्ट में गए, मतलब हमसे बहुत निकट है श्रीपाद जीव गोस्वामी।
जीव गोस्वामी के विषय में कवि कर्णपुर गौर गणोदेश दीपिका में लिखते हैं जीव गोस्वामी का परिचय कि ये कौन है। कहते हैं, सुशील पंडित श्रीमान जीव श्रीवल्लभात्मज। ये केवल एक ही लाइन जीव गोस्वामी की है, दूसरी लाइन तो वाणीनाथ जी के लिए है। तो केवल एक लाइन में कवि कर्णपुर ने जीव गोस्वामी का परिचय दे दिया। जीव गोस्वामी कौन? बोले, जो विलास मंजरी है, मतलब ललिता विशाखा की निकट की सखी, विलास मंजरी ही जीव गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई है। अच्छा, जीव गोस्वामी कैसे हैं? तो कहते हैं सुशील, अद्भुत। अब सुशील शब्द की बहुत व्याख्या हो सकती है, लेकिन आप सब जानते हैं क्योंकि आप लोग भी सुशील हैं। शील माने स्वभाव, सु माने सुंदर। जीव गोस्वामी कैसे हैं? सुशील, सुंदर स्वभाव वाले। अब स्वभाव में सब कुछ आ जाता है, मतलब हम्बल थे, नम्र थे, किसके साथ कैसे किस टोन में बात करना, वडिलों के साथ, वरिष्ठों के साथ कोई अलग टोन होती है, अपने बराबरी वालों के साथ, अपने से जो छोटे हैं उनके साथ किस प्रकार से, मतलब शील बहुत मायने रखता है। किसी भी व्यक्ति में सुशील गुण आ जाए तो 90% गुण तो मार्क्स मिल जाते हैं। ये बहुत बड़ा गुण है सुशील। प्रहलाद के विषय में ये शब्द आया, सुशील। इस दुनिया में कुछ लोग अपना नाम तो रख देते हैं सुशील, सुशील भाई, लेकिन सुशील जैसा कुछ होता नहीं है। बात बात में क्रोध करते हैं, क्रोधियों की तो यहाँ बात ही नहीं है। जीव गोस्वामी की जीवनी आज सुनेंगे, अद्भुत। चाहे जीवन में कैसी परिस्थिति आ जाए, इनको क्रोध कभी नहीं हुआ अपने लिए। तो सुशील है, बहुत सुंदर शील था इनका। दूसरा है पंडित। अब पंडित सुनते हैं तो हमको तो बस संसार के पंडित जी याद आते हैं, वही पोथी पत्रा वाले पंडित होंगे। आजकल पंडित शब्द बहुत छोटा हो गया है, लेकिन पंडित माने पंडा माने जिसकी बुद्धि प्रवर है, जो बहुत मेधावी है, जिसकी बुद्धि बहुत बुद्धिमान है, जो एक्सपर्ट है, उसे पंडित कहते हैं। तो सुशील थे, पंडित थे, और श्रीमान, श्री माने सुंदर, श्री माने वैराग्य, श्री माने ज्ञान, श्री माने विद्वत्ता। तो ये श्री से युक्त हैं। जीव है, जीव गोस्वामी। कौन जीव गोस्वामी? तो श्री वल्लभ आत्मज। जीव गोस्वामी कौन है? वल्लभ के आत्मज। वल्लभ के पुत्र है श्रीपाद जीव गोस्वामी। अब ये वल्लभ कौन? मैंने कथा के प्रथम दिन आपको हिंट दिया था कि कुमार देव ब्राह्मण के तीन पुत्र थे, अमर, संतोष और अनुपम। तो उस समय मैंने कहा था कि ये अनुपम को आप याद रखिएगा, मैं आपको लास्ट दिन याद कराऊंगा। तो कुमार देव ब्राह्मण के अमर और संतोष तो बन गए रूप और सनातन, लेकिन वो तीसरे भाई जो थे छोटे, कुछ लोग कहते हैं उनके कजिन थे या कुछ लोग कहते हैं सगे भाई, जो भी थे, तो जो अनुपम थे, अनुपम का ही दूसरा नाम है वल्लभ। एक आदमी के दो नाम होते हैं। तो रूप और सनातन के सबसे छोटे भाई जिसका नाम है अनुपम और उसी का नाम है वल्लभ। तो रूप और सनातन के छोटे भाई अनुपम वल्लभ के पुत्र थे श्री जीव गोस्वामी। इसका अर्थ क्या हुआ? रूप और सनातन के भतीजे लगते हैं, भाई के छोटे बेटे, भतीजे। अब अनुपम के विषय में, जीव गोस्वामी के पिता के विषय में थोड़ा सा सुन लीजिए। ये अनुपम
या इसको वल्लभ कहिए, वल्लभ या अनुपम, एक्चुअली ये राम जी के भगत थे। रूप और सनातन तो कृष्ण के भक्त, कृष्ण की लगनी लग चुकी थी, परंतु अनुपम राम जी के भक्त थे। एक दिन रूप और सनातन ने अपने छोटे भाई अनुपम को कहा कि अनुपम, मैं और रूप हम दोनों कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण की कथा सुनते हैं, कृष्ण का ग्रंथ लिखते हैं, हमारा सब कुछ कृष्ण का है और तुम राम को लेकर बैठे हो। वैसे राम कोई अलग नहीं है, लेकिन तुम भी यदि कृष्ण की भक्ति करो तो तीनों एक साथ हम कथा सुन सकते हैं, ग्रंथ पढ़ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और वैसे भी कृष्ण सर्वोपरि सर्व अवतारी हैं, सबके मूल है, तो हमारी इच्छा करती हैं कि तुम भी हमारे साथ कृष्ण की भक्ति करो। रूप और सनातन ने बहुत कहा बहुत कहा, और बड़े भाई कह रहे थे, ऑब्लिगेशन में आए, और उस समय तो उन्होंने हाँ कह दिया, बोले ठीक है कल से कृष्ण की भक्ति करेंगे। बोले ठीक है तो हम आपको दीक्षा दे देते हैं। तो ऐसे अपने छोटे भाई अनुपम या वल्लभ को उन्होंने दीक्षा भी दे दी। परंतु उस दिन रात को अनुपम वल्लभ को नींद नहीं आई कि हाय रे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो मेरा सर्वस्व रघुनाथ के चरणों में अर्पण कर दिया था, मैंने मेरा मस्तक श्री रघुनाथ के चरणों में बेच दिया, और मैं रघुनाथ को छोड़कर कृष्ण की भक्ति करूंगा, ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे राम जी का बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये रात भर सो नहीं पाए, रात भर रोते रहे, और सुबह उठकर इन्होंने रूप और सनातन को ये बात बताई। रूप सनातन ने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि भाई तुम्हारी श्रद्धा कितनी प्रबल है, यदि तुम्हारी श्रद्धा राम जी में है कोई बात नहीं, तुम राम जी की भक्ति करो, राम जी की सेवा करो, और हम लोग बहुत प्रसन्न है तुम यदि राम जी की सेवा भक्ति करोगे। इस प्रकार से कहकर श्री अनुपम श्री वल्लभ को राम जी की सेवा राम जी की भक्ति में लगा दिया। तो ऐसे रूप और सनातन के छोटे भाई अनुपम या श्री वल्लभ के आत्मज पुत्र हैं श्री जीव गोस्वामी। श्री जीव गोस्वामी का जन्म विक्रम संवत 1568 में हुआ, और यदि ईस्वी सन यदि देखा जाए तो 1511 शिजीव गोस्वामी का जन्म 1511 और विक्रम संवत के अनुसार 1568 में हुआ। इनका जन्म रामकेली गांव में हुआ। ये वो रामकेली गांव है, याद है कुछ, दीवाबत्ती होता है, हमने बहुत सुना रामकेली रामकेली। अमर और संतोष जो पूर्व में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आगे उनका नाम हुआ, तो अमर संतोष और अनुपम ये तीनों रामकेली गांव में रहते थे और वहीं पर जीव गोस्वामी का जन्म हुआ। कथा थोड़ी सी याद करा दूं, श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे, अपना रास्ता छोड़कर वो रामकेली गांव में आए रूप और सनातन का उद्धार करने के लिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु रूप और सनातन से जब मिले, उस समय ये जीव गोस्वामी 3 साल के बालक थे और उनकी माताजी उनको गोद में लेकर जहां रूप और सनातन की दीक्षा हो रही थी, श्री चैतन्य महाप्रभु उदंड नृत्य कर रहे थे, तब जीव गोस्वामी की माता उनको गोद में लेकर 3 साल के बालक को चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने ले गई थी। भक्ति रत्नाकर में इसका प्रमाण दिया गया है, लिखा है श्री जीवादि संगोपने प्रभु के देखी। यूं तो चैतन्य महाप्रभु रूप और सनातन को आशीर्वाद और उनके साथ चर्चा कर रहे थे,
लेकिन वो माँ अपने 3 साल के बालक को गोद में लेकर दूर खड़ी थी और उस समय चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि उस बालक के ऊपर गई। अब होता है ना, कोई सन्यासी आते हैं तो अपने बालक को उनके चरणों में रखते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तब 3 साल के बालक को लेकर वह माँ चैतन्य महाप्रभु के पास आई। चैतन्य महाप्रभु ने इस बालक को अपना दर्शन दिया, उसके मस्तक पर अपना हाथ रखा। माँ ने इस 3 साल के बालक को महाप्रभु के चरणों में रखा और चैतन्य महाप्रभु के मुख से निकल गया कि ये जीव, वास्तव में उस समय इनका नामकरण नहीं हुआ था। जीव माने वो साधारण जीव होते ना, ये सब समस्त जीव। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि ये जीव माने ये बच्चा आगे चलकर समस्त गौड़ीय सिद्धांतों का भार संभालेगा। महाप्रभु के मुख से निकल गया। अब उस समय तो लोगों को लगा कि ये सन्यासी तो बोलते रहते हैं, सबकी प्रशंसा करते रहते हैं, तो इतना सीरियस लोगों ने नहीं लिया। लेकिन महाप्रभु ने कहा था कि ये लड़का, ये जीव आगे चलकर गौड़ीय सिद्धांतों का भार संभालेगा। और फिर महाप्रभु की वाणी कुछ ऐसी ही हुई। भक्तों, यहां पर मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि 3 साल की उम्र में इस बालक ने माने जीव गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को देखा, दैट्स इट। फिर इसके बाद जीव गोस्वामी कभी भी चैतन्य महाप्रभु से नहीं मिले, लेकिन 6 गोस्वामियों से सबसे आगे नाम पा गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कई बार कुछ भक्त ऐसा कहते हैं कि हमने हमारे गुरुजी से दीक्षा ले ली लेकिन अब तो गुरुजी से मिलना ही नहीं हो रहा है। गुरुजी से मिले, उनकी सेवा करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर्मवश या संजोगवश यदि हम हमारे गुरु से नहीं मिल सकते हैं तो जीव गोस्वामी के जीवन की को याद करना चाहिए कि 3 साल की उम्र में महाप्रभु मिले थे बस, फिर वो कभी नहीं मिले, लेकिन महाप्रभु के प्रिय पात्र बन गए। बहुत बड़ा काम हम देखेंगे, बहुत बड़ा समर्पण, बहुत बड़ी चीज ये करके गए। सो कभी कभी शरीर से गुरु जी को मिलना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना गुरु की आज्ञा को स्वीकार करना, गुरु की इच्छा को पूर्ण करना, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हम ये भी सुनेंगे कि यदि जीव गोस्वामी चाहते तो महाप्रभु से मिल सकते थे, क्योंकि महाप्रभु अभी जीवित थे, माने चैतन्य महाप्रभु धरती पर थे, लेकिन संजोगवश वे नहीं मिल पाए। लेकिन फिर भी महाप्रभु की पूर्ण कृपा जीव गोस्वामी ने प्राप्त की। कहते हैं कि धीरे धीरे ये बड़े हुए, एक और ये बड़े हुए और दूसरी ओर क्या हुआ, कथा आपने सुनी ना कि चैतन्य महाप्रभु जब रूप और सनातन को मिलकर गए तो उनका मन राज कारोबार में नहीं लगा। फिर रूप और सनातन अपने राज कारोबार को छोड़कर वृंदावन चले गए, तो जब वे वृंदावन गए तो अपने छोटे भाई अनुपम श्री वल्लभ को भी साथ में लेकर गए। और जब वे वृंदावन से जगन्नाथपुरी वापस लौट रहे थे तो वाराणसी में गंगा के तट पर अनुपम जीव गोस्वामी के पिता श्री वल्लभ की मृत्यु हो गई, माने बचपन में ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई और बालक अनाथ हो गया। वैसे इनके पिताजी राज परिवार से थे, रूप सनातन अनुपम ये वल्लभ राजाओं के खानदान से थे, मंत्री थे, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। और आजकल बहुत बड़े घर का आदमी मर जाता है तो अपने बच्चों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, ऐसा कहते हैं ना, वारस में संपत्ति आदि छोड़ता है। लेकिन इनके पिता और इनके चाचाओं ने इनके भाग्य में 3 संपत्ति छोड़ी थी,
और वो संपत्ति थी भक्ति, वैराग्य और विद्वत्ता। धन मिल जाना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इनके पिताजी इनके लिए भक्ति, वैराग्य और विद्वत्ता छोड़कर गए थे। बचपन से ही यह बालक भगवान श्री कृष्ण में रति, मति, गति पूर्ण रूप से इनकी भक्ति लगी हुई थी। इनके विषय में बहुत सुंदर भक्ति रत्नाकर में आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, खोज खोज कर निकाली हुई ये श्लोके हैं, भक्ति रत्नाकर में लिखा है। कृष्ण बलराम विना किछुई न भाय, एकाकी वो दो है लैया निर्जने खेलाय। इनका बचपन कैसा था जीव गोस्वामी का? बोले इनके पास एक गुड्डा गुड्डी थे, मतलब दो गुड्डे थे, मतलब कृष्ण और बलराम की मूर्ति बच्चों के पास जो होती ना खेलने लायक, तो इसके पास कृष्ण और बलराम की मूर्ति विग्रह था। आजकल बच्चे नहीं हो क्या कहते हो, टेडी को लेकर घूमते हैं, बस उसी के साथ सोते हैं बैठते हैं। तो ये जीव गोस्वामी बचपन में कृष्ण और बलराम के साथ ही उठते बैठते थे। वो यहाँ पर यही लिखा है, कृष्ण बलराम बिना किछु ही न भाई, कृष्ण बलराम के बिना इसको कुछ अच्छा नहीं लगता था। और माँ उनको भोजन देती थी तो भोजन लेकर एकांत में चले जाते और पहले अपने कृष्ण बलराम को खिलाते, वो थोड़ी खाने वाले हैं, लेकिन वो विग्रह को खिलाते, बस उसी के साथ खेलते कूदते रहते। इवन आगे कहते हैं, शयन समय दोहे राख एक काय, बच्चा जब सोता है तो उसकी माँ उनके साथ होनी चाहिए। जीव गोस्वामी को क्या था, माता साथ में हो या न हो, लेकिन वो कृष्ण और बलराम साथ में होते थे। शयन समय, सोते समय दोहे माने दोनों को, कृष्ण और बलराम को राख एक काय, अपने एक साथ रखते थे। और माता पिता कौती के वो नापरे दीते। सो इस प्रकार से उनका बचपन ही भगवत भक्ति में लगा हुआ था और बचपन से ही विद्वत्ता वारसे में मिली हुई थी। सोते समय माँ इस जीव बालक को, जीव गोस्वामी को कथा सुनाती थी, कृष्ण कथा। कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ और फिर गोकुल लेकर गए और कृष्ण ने पूतना को मारा, गोवर्धन उठाया, ये सब कथा माँ सुनाती थी। लेकिन बचपन में ही इनकी विद्वत्ता प्रस्तुत हो रही थी। एक बार माँ कृष्ण लीला सुना रही थी, प्रसंग सुनिए, तो छोटे से जीव गोस्वामी ने, छोटे 5-7 साल के होंगे, उन्होंने कहा, माँ ये तुम कृष्ण कथा सुना रही हो, ये कौन से युग की बात है? तो मैया ने कहा, ये द्वापर युग की बात है। नहीं नहीं मां, ये द्वापर युग की बात नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है कि ये सतयुग की बात है। मां कहती है, कैसे? वो भी तोतली बोली में बोल रहा है। बोले देवकी और वसुदेव कंस के कारागार में थे तो भगवान की भक्ति कैसे करते थे? अब कंस तो चैंटिंग तो करने नहीं देता होगा और महल उस कारागार में यज्ञ तो होता नहीं है, तो बोले वो भगवान का स्मरण करते थे। देवकी और वसुदेव कंस के कारागार में हरि का स्मरण करते थे, माँ ने कहा। तो ये छोटा सा जीव क्या कहते हैं, बोले स्मरण करना ये कौन से युग की भक्ति है? कृते ध्यायतो विष्णु, बोले स्मरण भक्ति तो सतयुग में होती थी ना, तो ये लीला सतयुग की है, क्योंकि सतयुग में स्मरण होता है। अब माँ के दिमाग को भी घुमा देते थे, बोले ये लीला सतयुग की है। फिर 5 मिनट के बाद वही बच्चा आता था, बोले माँ थोड़ा सा डाउट हो रहा है। बोले क्या? बोले सतयुग की लीला नहीं, तुमने ये जो कृष्ण लीला सुनाई ना, ये त्रेता युग की लीला है। बोले ये क्या बोल रहा है तू, त्रेता युग का क्यों? बोले माँ तूने आज सुनाया कि हर दिवाली के दिन
सारे ब्रजवासी मिलकर इंद्र के लिए यज्ञ करते थे, इंद्र याग, और रेगुलरली करते थे, ऐसा नहीं आज किया कल नहीं। तो ब्रजवासी गण, आपने ही मुझे सुनाया कि हर दिवाली के दिन इंद्र याग यज्ञ करते थे, तो माँ तू ही बता यज्ञ करना ये कौन से युग का साधन है, किस युग में यज्ञ किया जाता है? बोले त्रेता युग में। तो फिर कृष्ण लीला त्रेता युग की हो गई ना, मतलब त्रेता युग की है। ठीक है ठीक है, अब माँ क्या बोलेगी बच्चे को, ठीक है त्रेता युग। फिर 5 मिनट के बाद आते, बोले माँ रुको रुको रुको, त्रेता युग नहीं, मुझे लगता है कि कृष्ण लीला कलयुग की है। जीव गोस्वामी, ये देखो बचपन में ही ये सब विद्वत्ता, आगे चलकर तो तोड़ दिया। षड संदर्भ, अद्भुत रचना इनकी है भक्तों। वेदव्यास जितना, मैं तो कहूंगा वेदव्यास से भी अधिक एफोर्ट हमारे जीव गोस्वामी का है भक्ति सिद्धांत को उजागर करने के लिए। वेदव्यास मुनि ने अपने पूरे जीवन, यद्यपि भगवान है, भगवान के अवतार है, वेदव्यास मुनि ने अपने जीवन काल में 4 लाख श्लोक लिखे। शिपा जीव गोस्वामी ने भी अपने जीवन में 4 लाख श्लोक लिखे, मतलब वेदव्यास की कंपेयर तो नहीं हो सकती, लेकिन भगवान तो भगवान है, लेकिन ये जीव गोस्वामी ने अपने पूरे जीवन में 4 लाख श्लोक लिखे हैं भक्तों। हमारे वैष्णव सिद्धांत को इन्होंने धरती पर स्थापित किया सैद्धांतिक दृष्टि से। खैर, लेकिन इनका बचपन कैसा था? अब पहले सिद्ध किया कि कृष्ण लीला सतयुग की है, फिर कहते नहीं त्रेता युग की है, अब आए नया लेकर, बोले भाई कलयुग की है। माँ ने कहा कैसे? बोले माँ तुमने मुझे आज क्या सुनाया, कंस के कारागार में कृष्ण का जन्म हुआ और फिर वसुदेव जी गोकुल ले गए और कन्या को लेकर आ गए, फिर गोकुल में नंद बाबा यशोदा जब जगे तो देखा लाला का जन्म हुआ है, और जब लाला का जन्म हुआ तो उन्होंने क्या किया, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की हो जय कन्हैया लाल की। तो उन्होंने क्या किया, नंद के घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कीर्तन किया, सारे ब्रजवासियों ने मिलकर कीर्तन किया। तो माँ तू ही बता ये कीर्तन करना किस युग की विधि है, किस युग में कीर्तन करके भगवान मिलते हैं? बोले कलयुग में, क्योंकि कलो तद हरि कीर्तन, तो बोले कलयुग की लीला है। ठीक है बेटा, चल तू मानता है कलयुग की तो कलयुग। फिर थोड़ी देर के बाद आते हैं, माँ मुझे सतयुग की भी नहीं लग रही है, त्रेता की भी नहीं लग रही है, कलयुग की भी नहीं, मुझे कृष्ण लीला द्वापर युग की ही लग रही है, क्योंकि बड़े बड़े अर्च विग्रह की सेवा और भवन बनाया और द्वापर युग में परिचर्या ही साधन है। तो इस प्रकार से बचपन में ही विद्वत्ता। भक्तों ये तो बाल्य अवस्था की बातें हैं, लेकिन इस सिद्धांत को शिवा जीव गोस्वामी ने अपने षड संदर्भ में स्थापित किया। क्या स्थापित किया, कि जब भगवान इस धरती पर प्रकट होते हैं तब चारों युग धरती पर आ जाते हैं। याद रखिएगा ये जीव गोस्वामी का मत, भगवान जब धरती पर आते हैं तो उनको आपने गुजराती में कहने वधावा माटे, उनका स्वागत करने के लिए चारों युग धरती पर आ जाते हैं। इसलिए देखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के समय चारों युगों के साधन हो रहे थे, यज्ञ भी हो रहा था, ध्यान भी हो रहा था, कीर्तन भी हो रहा था, परिचर्या भी हो रही थी। तो इस प्रकार से बचपन से ही जीव गोस्वामी, इसलिए कहते हैं भक्ति रत्नाकर में लिखा है, अल्प काल श्री जीवेर बुद्धि चमत्कार, व्याकरण यदि शास्त्रे अति अधिकार।
बहुत अल्प काल में ही इस बालक की बुद्धि का विकास हो गया, इनकी बुद्धि के चमत्कार देखने मिले। और व्याकरण आदि शास्त्र में तो बिल्कुल प्रकांड हो गए। सबे कहे, सब लोग क्या कहते थे, सबे कहे देव अंश जन्म इहार, ये कोई साधारण बालक नहीं है, इस लड़के का जन्म किसी देवता के अंश से हुआ है। क्योंकि इतनी विद्वत्ता बचपन में ही, न्याय शास्त्र व्याकरण शास्त्र इन सबको जानने लगा। नहीं लेक अल्प काले एत अधिकार, क्योंकि इतने अल्प समय में इतना इतना कुछ नहीं हो सकता। भक्तों विद्वत्ता तो थी, ज्ञान भी था, लेकिन इसके साथ साथ भक्ति भी थी। कई बार वो पढ़ रहे थे, पढ़ना लिखना छोड़कर एकांत में जाकर वो जो कृष्ण बलराम थे ना उनके पास, उनके सामने वे रोने लगते, उनके सामने वे क्रंदन करने लगते। भक्ति रत्नाकर में लिखा गया, सदा कृष्ण कथा सुखे समुद्रे संतरे, अन्य कथा के हो भाई कोई ते न पारे। तो सदा के लिए कृष्ण कथा, कृष्ण भाव, कृष्ण विरह में निमग्न रहते थे। एक दिन एकांत में चले गए और एकांत में जाकर कृष्ण बलराम का बड़ा विरह सताने लगा। उनके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, हा कृष्ण हा कृष्ण। लेकिन एक चमत्कार हुआ, उनके पास जो कृष्ण बलराम थे वो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन गए और बलराम जी नित्यानंद प्रभु बन गए। और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बनकर उनके सामने बहुत नृत्य किए, बहुत नाचे। कभी वो कृष्ण बलराम बन जाते, कभी गौर निताय हो जाते, कृष्ण बलराम गौर निताय, कृष्ण बलराम गौर निताय। इनके मन में चमत्कार हो गया और उसी समय इनके मन में हो गया कि अब मैं गौर निताय, मैं चैतन्य महाप्रभु को मिलना चाहता हूं, मैं चैतन्य महाप्रभु को देखना चाहता हूं। जब तक ये 16 वर्ष के हुए, रात दिन मन में महाप्रभु को मिलने की कामना। 16 वर्ष के हुए, अध्ययन पढ़ना लिखना आदि सब समाप्त कर दिया और महाप्रभु से मिलने के लिए नवद्वीप चले गए। जब ये नवद्वीप धाम में पहुंचे तो नवद्वीप वासियों को कहना नहीं पड़ा, समझ गए कि ये रूप सनातन का कोई रिलेटिव है, चेहरे से ही पता चल जाता है। और उस समय चैतन्य महाप्रभु तो संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी में थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु नवद्वीप में थे। नित्यानंद प्रभु के साथ जीव गोस्वामी का मिलन उन्होंने देखा था कीर्तन करते हुए, ये तो चरणों में गिर गए। नित्यानंद प्रभु ने गले लगा लिया, दोनों के आंखों से अश्रु की धारा, और नित्यानंद प्रभु ने देखा कि इनका हृदय पवित्र है और ये सुपात्र है। भक्तों इस धरती पर, इस ब्रह्मांड पर सर्वप्रथम गौरमंडल परिक्रमा, गौरमंडल परिक्रमा नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को करवाई। ये 16 कोशी परिक्रमा होती है। चैतन्य महाप्रभु ने जहां जहां लीलाएं की, 9 प्रकार के द्वीप है, तो सर्वप्रथम नवद्वीप मंडल परिक्रमा, गौरमंडल परिक्रमा श्री नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को कराई। और एक एक स्थान का चैतन्य महाप्रभु यहाँ ये करते थे, महाप्रभु ने ये किया, महाप्रभु ने किया, सारा वर्ण। और उसका ग्रंथ आगे चलकर फिर भक्तिविनोद ठाकुर महाराज और उन्होंने उनका अनुवाद किया। इस प्रकार से परिक्रमा कराए। कई दिन तक शिपा जीव गोस्वामी रुके और परिक्रमा होने के बाद अब सुनिए, अब देखो इसके जीवन में सेक्रिफिकेशन शुरू हो रहा है। अब इनकी इच्छा हुई, नित्यानंद प्रभु मैं आपसे तो मिल लिया, अब मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहता हूं, मैं जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूं। अब मायापुर से जगन्नाथपुरी कितना दूर था, नित्यानंद प्रभु कह सकते हाँ जाओ जाकर मिल लो, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा, भक्ति रत्नाकर में लिखा है, प्रभु कहे शीघ्र ब्रजे कर प्रयाण,
तोमार वंश प्रभु दिया छे न से स्थान, तोमार वंश प्रभु दिया छे न से स्थान। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि जीव तुम जगन्नाथपुरी नहीं जाओगे। ले ये कोई बात हुई? मतलब आप अपने गुरु के पास जाओ और कहो मुझे वृंदावन जाना है, और आपके गुरु कहे नहीं वृंदावन नहीं जाना है, हम तो गुरु को ही छोड़ देंगे, ये गुरु झूठा है, छोड़ो इसे। लेकिन धन्य है जीव गोस्वामी। देखो कभी कभी गुरु जनों की आज्ञा तत्कालीन समझ में नहीं आती, लेकिन वो बहुत बड़ा काम करने वाली होती है। प्रभु कहे, नित्यानंद प्रभु कहे, शीघ्र तुम जल्द से जल्द ब्रजे करह प्रयाण, ब्रज की ओर प्रयाण करो। क्यों? क्योंकि तुम्हार वंश, तुम्हारे वंश को चैतन्य महाप्रभु ने व्रजवास दिया है, तुम्हारे वंश को चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन सौंपा है, तुम्हें वृंदावन जाना चाहिए। उस समय तनिक भी जीव गोस्वामी को बुरा नहीं लगा या नित्यानंद प्रभु को ठुकराया नहीं। अब महाप्रभु से मिलने का अंतिम मौका था इस लड़के के पास, इसके बाद महाप्रभु मिलने वाले नहीं थे, लेकिन इतना बड़ा मौका छोड़ दिया अपने गुरु के कहने पर। शिक्षा गुरु थे ना नित्यानंद प्रभु, शिक्षा प्रदान की थी, और उनसे आज्ञा लेकर वे वृंदावन पहुंचे। नित्यानंद प्रभु ने कहा था कि वृंदावन सीधे मत चले जाना, वाराणसी होकर, काशी होकर वृंदावन जाना, क्योंकि अभी भी तुम्हें कुछ विद्या प्राप्त करना बाकी है। सार्वभौम भट्टाचार्य के एक शिष्य हैं मधुसूदन वाचस्पति, उनके पास तुम विद्या ग्रहण करना, क्योंकि जान गए थे कि जीव गोस्वामी बड़े मेधावी हैं। तब जीव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी न जाकर नवदीप मायापुर से सीधे काशी वाराणसी आए, और वाराणसी में सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य मधुसूदन वाचस्पति से न्याय शास्त्र को सीखा, वेदांतिक सिद्धांतों की शिक्षा ग्रहण की, और इन शिक्षाओं के साथ साथ वे संगीत में भी विशारद कर लिया, पाक शास्त्र में भी विशारद, नाट्य शास्त्र में भी विशारद, ये सारे, मतलब जीव गोस्वामी ऑलराउंडर थे, सभी फील्ड में उन्होंने एक्सपर्टाइज, विशारद प्राप्त कर लिया। ये ड्रामा भी बहुत अच्छा करते थे, श्रीनिवास नरोत्तम आदि को इन्होंने ड्रामा करना सिखाया था। जीव गोस्वामी जब कहते हैं काशी में पहुंचे, और जब वे काशी में विद्या ग्रहण किए, काशी के सारे विद्वान चमत्कृत हो गए, जीव गोस्वामी की प्रशंसा करने लगे कि इतना मेधावी लड़का, इतना बालक। सब लोग, देखो काशी विद्वानों की नगरी मानी जाती है, और एक विद्वान दूसरे विद्वान की प्रशंसा नहीं करता। विद्वान तो ठीक से हंस भी नहीं सकता। आप कभी ज्ञानियों का पाला पड़ा नहीं है? आप लोगों को कभी किसी ज्ञानियों से मिलोगे ना, आप अच्छा, मैं कभी कभी इतना अच्छा बोलता हूँ, गाता हूँ, मर जाते हैं हम, टूट जाते हैं, गला खींच जाता है, लेकिन वो हंसेंगे नहीं, क्योंकि विद्वान है, ज्ञानी है। ज्ञानी कभी हंसते नहीं है, वो न हंसते हैं, न किसी की प्रशंसा करते हैं, बस मुंह फुला कर बैठे रहते हैं। लेकिन धन्य है, जब जीव गोस्वामी वाराणसी गए तो विद्वानों के मुख से प्रशंसा होने लगी, और संगीत शास्त्र, नाट्य शास्त्र, न्याय, वेदांतिक सब में विशारद प्राप्त कर लिया, और फिर वे वहां से वृंदावन आ गए। नित्यानंद प्रभु ने कहा था वे वृंदावन आए, और रूप गोस्वामी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, और उन दिनों रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु अनेकों बड़े बड़े ग्रंथ लिख रहे थे, ये उनकी सेवा में लग गए। अब देखो रूप गोस्वामी ने इतने बड़े विद्वान आदमी को अपने कमरे में झाड़ू लगाने की सेवा में लगा दिया,
इतना मेधावी लड़का, रूप गोस्वामी ने कहा तुम झाड़ू लगाओगे, पोछा मारोगे, ये करोगे। रूप गोस्वामी को ग्रंथ लिखना था, उनके लिए इंक चाहिए थी ना, तो पहले के जमाने में तो क्या था, कुछ विशेष पेड़ के पत्ते को घोटना होता था, रगड़ना होता था और उससे इंक बनती थी। और वही तो जीव गोस्वामी को, इस जीव लड़के को इंक बनाने में, झाड़ू पोछा करने में इसी काम में लगा दिया। फिर भी धन्य है जीव, बोले मैं इतना ज्ञानी, इतना विद्वान, मुझे प्रवचन करने में व्यासपीठ पर बिठाना चाहिए या ग्रंथ लिखवाना चाहिए, मुझे ये सब सेवा में, ये मुझे अंडर यूटिलाइज कहते ना, अंडर यूटिलाइज रख रहे हैं, मतलब मेरे में जो है वो ये इस्तेमाल नहीं करे, छोड़ो इसको, ऐसा नहीं सोचा। वे रूप गोस्वामी के अंडर में रहे, क्योंकि रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को बहुत आगे बढ़ाना चाहते थे। अब जीव गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी से दीक्षा ले लिए हैं और रूप गोस्वामी के वहां पानी भरना, झाड़ू मारना, ये सब काम कर रहे हैं। उनके जीवन की एक बहुत सुंदर घटना जिससे बहुत बड़ा सिद्धांत प्रस्तुत होता है। एक बार एक बहुत बड़ा विद्वान दिग्विजय करते हुए पूरे संसार में बड़े बड़े विद्वान पंडितों के साथ शास्त्रार्थ करते हुए वृंदावन में पहुंचा। किसी से सुना होगा कि वृंदावन में बहुत बड़े विद्वान रूप गोस्वामी रहते हैं। सुब्रज वृंदावन में आया और रूप गोस्वामी के साथ उनका मिलन हुआ। उस विद्वान ने कहा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं और मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े विद्वान हो, यदि ऐसा है तो मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, तर्क करो और जीत कर बताओ। अब आप सब तो जानते हैं, नारद मुनि ने नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि बादो न अवलंब्य, जो हरि भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो कभी तर्क नहीं करते हैं या किसी तर्क में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। रूप गोस्वामी ने कहा कि देखो, पहली बात तो आप बहुत बड़े विद्वान है होंगे, मैं मानता हूं, लेकिन किसी ने आपको बताया कि मैं विद्वान हूं तो ये बात गलत है। मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं है, मेरे जैसा अज्ञानी कोई नहीं है और मेरी आपसे क्या बराबरी। अब वो तो दिग्विजय करने निकला था पूरे दुनिया को जीतने के लिए, तो बोले तो ठीक है, तो मुझे इस सर्टिफिकेट में लिख दीजिए कि आप मुझसे हार गए। सबसे सर्टिफिकेट लेता था, पता नहीं किसको दिखाना था। तो रूप गोस्वामी ने तो सीधा लिख दिया कि मैं रूप गोस्वामी, मैं हार गया और सिग्नेचर, और सर्टिफिकेट लेकर वो तो निकल गया। अब जब ये घटना घटी, रूप गोस्वामी पूर्ण नम्र में और ये जीव गोस्वामी पानी भर रहे थे, उनके शिष्य थे ना, इनको अच्छा नहीं लगा कि मेरे गुरु के सामने इस प्रकार से सर्टिफिकेट लिखवा कर ले गए। अब जब वो दिग्विजय वहां से निकला तो जीव गोस्वामी ने कहा कि गुरुजी मैं यमुना स्नान करना चाहता हूं, मैं यमुना जाकर आऊं। बोले ठीक है जाओ। और ये दौड़ कर, वो दिग्विजय तो हाथी घोड़े के ऊपर चलता था, वो वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं पहुंचा था, जीव गोस्वामी दौड़ कर गए और उसको रास्ते में रोक लिया। बोले रुको, बोले तुम मेरे गुरु के साथ क्या तर्क करोगे और मेरे गुरु को क्या हराओगे, पहले चेले को हरा कर दिखाओ। अब ये तो विद्वान थे ही, ये तो आगे से ही बचपन से ही सब करते आए थे। बोले मेरे गुरु इतने हम्बल हैं, इतने नम्र है, वो किसी के सामने कुछ बोलते नहीं है, स्वीकार कर लेते हैं, और आप लोग किसी की नम्रता का मिसयूज कर रहे हो।
और मेरे गुरु को ऐसे सर्टिफिकेट लिखवा लिया कि रूप गोस्वामी हार गए। नम्रता समझ पाते नहीं हो, नीचे हाथी से नीचे उतरो और मेरे साथ तर्क करो, और चेले से तो जीत कर बताओ, गुरु के तो बाद में जीतोगे, पहले चेले से। अब इसने सोचा कि गुरु हार गया तो चेला भी हार ही जाएगा। यमुना के तट पर दोनों बैठे दिग्विजयी प्रकांड पंडित और जीव गोस्वामी, और दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ। आधा घंटा शास्त्रार्थ हुआ न, जीव गोस्वामी ने इतने शास्त्र के प्रमाण यहां वहां ये श्लोक वो श्लोक बोलकर उसको तो पानी पानी कर दिया। पूरी दुनिया को जीतने का जो भ्रम चढ़ा था वो सारा उतार दिया, और इसने स्वीकार कर लिया कि भाई मैं हार गया। बोला हार गया नहीं, वो सर्टिफिकेट निकालो और मैं देखूं ऐसे मेरे सामने फाड़ो। मुझे फड़वा दिया सर्टिफिकेट, बोले आज के बाद यहां कभी आना मत, और हमारे गुरु जी के साथ इस प्रकार से तर्क करने का सोचना भी मत, भागो यहां से। गए और ये स्नान किए और सीधे आ गए। रूप गोस्वामी ने पूछा हो गया स्नान? बोले हाँ जी स्नान हो गया। बेचारे को तो उनको तो कुछ पता ही नहीं था, तो लग गए सेवा में, फिर से झाड़ू पोछा मारना और सब साफ सफाई करना, रूप गोस्वामी ने उसी में लगाया था। अब ये बात बीती, कुछ दिन हो गए। अब दूसरी घटना देखिए, रूप गोस्वामी उस समय बड़े सीरियस थे क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे थे, बहुत बड़ा ग्रंथ है भक्तों, हमारे वैष्णव संप्रदाय की बिल्कुल नींव है भक्ति रसामृत सिंधु, रस तत्व का जो वर्णन किया रूप गोस्वामी ने। तो भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे थे और उस समय बहुत बड़े प्रकांड वैष्णव आचार्य श्री आचार्य चरण ब्रज वृंदावन में आए, जो चैतन्य महाप्रभु से मिल चुके थे, और सुना कि चैतन्य महाप्रभु का एक चेला वृंदावन में रहता है, तो ये सोचकर वे आचार्य चरण आए और रूप गोस्वामी को उनके प्रति आदर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की समकाल के थे, खड़े हो गए। अब जो वरिष्ठ होता है ना, वो थोड़ा सा तो वरिष्ठ को थोड़ा होता है, वो रूप गोस्वामी को पूछे कि ये क्या लिख रहे हो? रूप गोस्वामी ने कहा भक्ति रसामृत सिंधु प्रयास कर रहा हूं, वैसे मेरे में इतनी योग्यता तो नहीं है, दिखाओ दिखाओ क्या लिख रहे हो। तो ग्रंथ हाथ में लिया, ऐसे पढ़ने लगे। हाँ बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसमें ये जो एक श्लोक है ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बड़ों का यही स्वभाव होता है कि छोटे में कहीं ना कहीं गलती ढूंढे, क्योंकि गलती नहीं खोजेंगे तो वो बड़े कैसे माने जाएंगे। तो उस आचार्य चरण ने गलती निकाली। अब गलती क्या निकाली जानना चाहते हैं, श्लोक में आपके सामने रखता हूं। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में ये श्लोक लिखा था, पहले ये श्लोक हम समझते हैं और फिर किस प्रकार से इसका खंडन किया। ये श्लोक रूप गोस्वामी का है भक्ति रसामृत सिंधु का। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते तावत् भक्ति सुख स्यात्र कथम अभ्युदयो भवे। अब रूप गोस्वामी ने ओरिजिनली भक्ति रसामृत सिंधु में ये श्लोक लिखा। श्लोक का अर्थ क्या है? बोले भुक्ति, श्लोक समझिएगा, बहुत अच्छा श्लोक है ये। भुक्ति माने संसार के भोगों को भोगतने की कामना, स्पर्श रस गंध, ये जो संसार के भोग है ना, उसको भोगतने की कामना, उसे भुक्ति कहते हैं। ओके, तो ये एक। सेकेंड नंबर पर है मुक्ति। मुक्ति तो आप समझते हैं कि इस संसार के दुखों से मुक्त होकर सायुज्य सालोक्य सामीप्य साष्टी जो पांच प्रकार की है, यहां उस मुक्ति की बात है। तो रूप गोस्वामी ने लिखा कि संसार को भोगों को भोगतने की कामना और मुक्ति की कामना, ये दोनों स्प्रिहा माने दोनों कामना यावत जब तक हमारे हृदय में है,
तब तक तावत, दूसरी लाइन में तावत भक्ति सुख स्यात्, तब तक भक्ति का सुख उत्पन्न नहीं हो सकता। मतलब भक्ति का सुख, भक्ति करने से, ये जो हम हरि नाम कथा कीर्तन करते हैं, भक्ति का सुख तब तक नहीं मिलेगा जब तक हमारे हृदय में भुक्ति, संसार के भोगों को भोगतने की स्पृहा कामना और मुक्ति की कामना है, तब तक भक्ति का सुख कभी नहीं मिलेगा। क्यों क्यों? तो उन्होंने एग्जाम्पल जो दिया ना, वो बड़ा भारी दे दिया, क्योंकि ये भोगों को भोगतने की कामना और मुक्ति की कामना पिशाची, पिशाची के समान, पिशाची समझते हैं, चुड़ैल, चुड़ैल जानते ना, ये भुक्ति और मुक्ति की जो कामना है चुड़ैल के समान है, पिशाची के समान है, डाकण के समान है। अब शहरों में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन गांवों के किस्से आपने सुने होंगे कि जिस आदमी पर चुड़ैल का साया होता है, रात्रि का समय है, आप डर मत जाना, ये हॉरर फिल्म नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, चुड़ैल का साया, सफ़ेद साड़ी, पता नहीं ये फिल्म वाले कहाँ से देख कर आए हैं, सफ़ेद साड़ी, बिखरे हुए बाल, और फिर एक अलग सी आवाज़ आती है। तो जिस पर चुड़ैल का साया होता है, आपने देखा होगा गांव में, सत्य भी है, वो आदमी जो खाता है ना, जो भोजन करता है, वो आदमी को नहीं खाने देती, वो खुद खा जाती है। इसलिए बंदा कितना भी खाए उसको पोषण नहीं मिलता, वो चुड़ैल जो है ना उसका सारा खून पी जाती है। चुड़ैल जो है किसी बंदे का खून पीती है, तो बंदा कितना भी रोटी भोजन आदि खाए, वो जितना खून बनेगा वो खून चुड़ैल पी जाती है। तो जब तक ये चुड़ैल, मतलब भोगों की कामना और मुक्ति की कामना चुड़ैल के समान है, जैसे चुड़ैल हमारा खून पीती है, इसलिए हम जितना भी भोजन खाए और खून बनता है वो चुड़ैल पी जाएगी, मतलब वो खून रहता नहीं है। ठीक उसी प्रकार भक्ति करते हुए संसार के भोगों की कामना और मुक्ति की कामना चुड़ैल के समान है, हमारी भक्ति का जो एसेंस है वो ये कामना पी जाती है, इसलिए भक्ति का सुख बचता नहीं है। भक्ति में यदि सुख चाहते हो तो संसार को भोगतने की कामना और मुक्ति की कामना से मुक्त होना पड़ेगा। ये बात रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत बहुत सोच समझ कर लिखी है। लेकिन जो आचार्य चरण, जो वरिष्ठ भक्त आए ना, उनको ये अच्छा नहीं लगा, बोले आपने भुक्ति को चुड़ैल कहा, ये तो ठीक है, चलो भुक्ति जो है संसार के भोग चुड़ैल के समान, ये ठीक है, लेकिन आपने मुक्ति को चुड़ैल कह दिया, मुक्ति चुड़ैल जैसी है, ये ठीक नहीं है। आप एक काम करो, ये ग्रंथ में से इस श्लोक को निकाल दो, डिलीट कर दो। अब ये न तो इसके गुरु लगते थे, न तो ये कोई इनके लीडर थे, कुछ नहीं था, लेकिन वरिष्ठों को अपना होता ना, चलो ये कर दो, ये कर दो, मतलब ये श्लोक ठीक नहीं है, इसको नहीं। अब रूप गोस्वामी तो इतने हम्बल, इतने नम्र, ठीक है आपकी इच्छा है कि ये अच्छा नहीं है तो मैं इसे निकाल देता हूँ, ओके ठीक है, ठीक है, अच्छा लड़का है, ऐसा कह के वो आचार्य चरण वहाँ से निकल गए। और अब की बार वो जो जीव गोस्वामी, वो चेले जो थे ना इनके, जीव गोस्वामी पोछा लगा रहे थे, घर साफ कर रहे थे, उनको ये बात भी अच्छी नहीं लगी कि भले मेरे गुरु रूप गोस्वामी इतना सुंदर ग्रंथ लिख रहे हैं, इतनी अच्छी बात लिखी है, और ये अपने आप को वरिष्ठ मानने वाला आया और कहा कि इसको निकाल दो। तब जब वो जा रहे थे तो रूप गोस्वामी ने कहा कि आचार्य चरण को जरा यमुना तट पर छोड़ कर आओ। इस बार तो जीव गोस्वामी को आज्ञा भी लेनी नहीं पड़ी, गुरु जी ने ही कहा कि इसको जरा छोड़ कर आओ, और जीव गोस्वामी आचार्य चरण को छोड़ने गए।
लगभग वृंदावन की सीमा रेखा पर पहुंचे, तब वो उनके आगे आकर कहते हैं कि आप हमारे गुरुजी से क्या चर्चा कर रहे थे, जरा मुझे बताएंगे आप? बोले हाँ, तुम्हारे गुरुजी ने जो श्लोक में लिखा ना कि मुक्ति चुड़ैल के समान है, वो सब गलत है। तब जीव गोस्वामी ने कहा थोड़ी चर्चा मेरे साथ हो जाए, क्या सही है क्या गलत है। बोले मेरे गुरुजी तो इतने हम्बल इतने नम्र हो तो बेचारे निकाल दिए होंगे, अब तक तो वो श्लोक पाना फाड़ दिया होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर ये औकात कि तुम हमारे गुरु को झूठ साबित करो, मेरे साथ तर्क करो, मैं साबित किए देता हूं कि मुक्ति चुड़ैल ही है। यमुना के तट पर आचार्य चरण जीव गोस्वामी बैठे और दोनों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ, एक के बाद एक श्लोक। ये तो विद्वान थे बिल्कुल, काशी नाच रहा था इनकी विद्वत्ता से। तो ये इतना, यहां तो आधा घंटा क्या, 10 मिनट में आचार्य चरण को सिद्ध कर दिया कि रूप गोस्वामी ने जो श्लोक लिखा है बिल्कुल परफेक्ट। और आचार्य चरण बड़े प्रसन्न, वो तो अपने घर जाने के लिए निकले थे लेकिन वहां से यूटर्न लेकर वापस आए और वापस आकर रूप गोस्वामी को कहे कि आपके आश्रम में ये जो पोचा लगाता है वो कौन लड़का है? बोले वो मेरा शिष्य है। बोले कमाल का शिष्य है आपका। बोले क्या हुआ? बोले वो मुझे जब छोड़ने आया और मुझे सिद्ध कर दिया कि मैं गलत हूं, तो आचार्य चरण ने माफी मांगी, मुझे क्षमा कर देना, मेरे से गलती हो गई। वो जो श्लोक आपने पाना फाड़ दिया है वो फिर से जोड़ देना, आपने जो श्लोक लिखा है वो बिल्कुल अच्छा श्लोक है, एग्जैक्ट है। इतना कह के आचार्य निकल गए। अब देखो आजकल के गुरु होते ना तो खुश होते, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है भक्तों। ये तो ब्रह्म मद्दो गौड़ीय धारा है। जीव गोस्वामी जब आश्रम में आए और रूप गोस्वामी ने कहा, हो गया तर्क। अब आज के गुरु होते तो शाबाशी देते, शाबाश क्या काम किया है, लेकिन धन्य है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने क्रोध, आज तक रूप गोस्वामी क्रोध नहीं किए थे, लेकिन आज अपने शिष्य जीव गोस्वामी को कहते हैं, अरे मूढ़, तूने असमय में ही वैराग्य वेश धारण कर लिया है। अरे तुझे क्रोध के ऊपर क्रोध करने को नहीं आया, तूने क्रोध को जीतना नहीं सीखा। एक ब्राह्मण मेरे पास आता है और वो कहता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता और मैं उस बात को निकाल देता हूं, उस ब्राह्मण का थोड़ा नाम उनकी प्रतिष्ठा हो गई और मुझे मान सम्मान नहीं मिला, तो उसमें हमारा क्या घट गया? जीव, तुमसे एक ब्राह्मण का सम्मान बर्दाश्त नहीं हुआ? एक ब्राह्मण का मैंने सत्कार किया और उसकी बात मानकर एक श्लोक मैंने निकाल दिया तो हमारा क्या घट गया? और उस ब्राह्मण का सत्कार हुआ तो तुमको क्या तकलीफ हो गई? तुमसे इतना सहन नहीं हुआ? आज के बाद मैं तुम्हारा मुख देखना नहीं चाहता हूं, तुम वृंदावन में रहने के लायक नहीं हो, वृंदावन और मुझे छोड़कर चले जाओ। ये है ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा भक्तों। सिद्धांत ये हैं, इनमें से सही गलत में बताना नहीं चाहता, न रूप गोस्वामी गलत न जीव गोस्वामी गलत, दोनों अपने अपने स्थान पर चरम परम सीमा पर है भक्तों। गुरु अपनी चरम सीमा पर और चेला अपनी चरम सीमा पर। गुरु को चाहिए कि कभी भी अपने चेलों से अपनी इंद्र तृप्ति न करवाए, ये गुरु का धर्म है। और शिष्य को चाहिए कि अपने लिए कुछ भी सहन करे लेकिन अपने गुरु के साथ कभी भी अन्याय सहन नहीं करना चाहिए। दोनों ने अपने अपने आचरण को चरितार्थ करके दिखाया। फिर आगे चलकर तो कथा है कि गुरु जी की आज्ञा हुई, जीव गोस्वामी चले गए सब कुछ छोड़कर, वृंदावन छोड़कर वृंदावन के बगल के गांव में जाकर रहने लगे भक्तों। अपने गुरु जी के विरह में छिपा जीव गोस्वामी ने क्या करते, वो ग्रंथ लिखते, महाप्रभु की सेवा करते, लेकिन गुरु के विरह में भोजन अच्छा नहीं लगता था। वे किसी के घर पर जाते नहीं थे, किसी को दया आ जाती तो कच्चा आटा दे देते,
और उस आटे से रोटी बनाने का भी टाइम वेस्ट नहीं करते थे, उस कच्चे आटे को पानी में घोलकर पी जाते। और कोई कच्चा आटा नहीं देता तो ये आचार्य जो हमारे साथ बैठे हैं, ये जीव गोस्वामी राख होती है ना, राख लकड़े की राख, वो पानी में घोलकर पी जाते। और रात दिन चैतन्य महाप्रभु और गुरु की सेवा में ग्रंथ लिख रहे थे। ये कच्चा आटा और राख को घोलकर पीने से उनके पेट में रोग हो गया, उदरोषय रोग या जलोदर रोग हो गया। ऐसा रोग कि पेट में ऐसा इंफेक्शन होता है और एक दिन आदमी मर जाता है। इस प्रकार का जीवन, तपस्यामय जीवन बिता रहे थे। और दूसरी ओर श्री सनातन गोस्वामी विचरण करते करते एक दिन उसी गांव में जा पहुंचे और एक माता जी के घर पर भिक्षा लेने गए। माता भिक्षान दे ही, माता भिक्षा दीजिए। और उस समय वो घर की जो माँ थी ना, वो हाथ गोबर से हाथ बिगड़े हुए थे और गोबर लीप रही थी। तो कहा ठीक है मैं आ रही हूं। तो कुछ देर के बाद माता भिक्षान दे ही, वो गोबर लीप रही थी, माता भिक्षान दे ही। अब चार पांच बार सनातन गोस्वामी ने कहा तो उस माता के मुख से निकल गया, ये कैसा साधु आदमी है, बिल्कुल घोड़े पे चढ़कर आया है। इससे तो हमारे गांव का साधु अच्छा है कि कुछ मांगता नहीं और यदि कुछ दे दिया तो आटे को पानी में घोलकर पी जाता है। और ये आज मेरे घर पर घोड़े पर चढ़कर आया, कैसा साधु है। सनातन गोस्वामी ने यह सुन लिया, भिक्षा तो बाजू में रह गई। सनातन गोस्वामी ने कहा कि मां तुम जिस साधु के बारे में बोल रही हो वो साधु कौन है, हमसे भी बड़ा वैरागी, आटा घोल कर पी जाता है। बोले देखो यहां पर गांव के कुछ सीमा पर वो बैठा है, जाओ जाकर मिलो। सनातन गोस्वामी जब आए तो पता चला ये तो जीव गोस्वामी, ये तो हमारा भतीजा अनुपम का बेटा, वल्लभ का बेटा। बोले जीव बेटा तुम यहां क्या कर रहे हो। बोले मुझे गुरु जी ने निकाल दिया, मैंने आचार्य चरण के साथ जो कुछ हुआ और इस गलती के चलते गुरु जी ने निकाल दिया। सनातन ने कहा चल तू मेरे साथ चल। अब सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी को लेकर आए वृंदावन में रूप गोस्वामी के पास। अब बड़े भाई भी थे, वरिष्ठ भी थे। बोले रूप तूने जीव को क्या दंड दिया, कोई अपने शिष्य को भला ऐसे निकाल देता है। रूप गोस्वामी ने कहा लेकिन नम्रता नहीं है ये किसी ब्राह्मण का सत्कार सहन नहीं कर पाता है। सनातन गोस्वामी ने कहा रूप चैतन्य महाप्रभु की क्या आज्ञा है, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन इहा छाड़ी धर्म नहीं सनातन। नाम में रुचि रखो, वैष्णव की सेवा करो और जीव पर दया करो। महाप्रभु ने कहा है ना कि जीवों पर दया करो, तो ये जीव है, इसका तो नाम ही जीव है, ये दो टाइप का मतलब डबल जीव है ये, तो क्या तुम्हें नहीं लगता है कि इस पर दया करनी चाहिए। सनातन गोस्वामी के कहने पर रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को अपना लिया। दंड आदि की कोई बात नहीं थी, इतिहास साबित करना था भक्तों, हम लोगों के लिए सिद्धांत चरितार्थ करना था, बाकी गलती का कोई प्रश्न यहां पर नहीं था। इस अवस्था में भी जीव गोस्वामी ने अपने गुरु के लिए गलत नहीं सोचा, यहां तो गुरु जी थोड़ा भी सत्य बोल देते हैं तो हम गुरु जी को ही छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन धन्य है ये आचार्य और आचार्यों की परंपरा। हमारे वहां गुजरात में कहते हैं नथी मफत मां मळता, एना मूल चुकव्वा पड़ता, संतो ने संतपणा नथी मफत मां मळता। साधु बनना कोई आसान काम नहीं है, इनका मूल्य चुकाना पड़ता है और मूल्य ये है भक्तों। फिर आगे चलकर रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी साथ में रहने लगे। भक्ति रत्नाकर में लिखा है कि एक दिन स्वप्ना देशे श्री रूप राधा दामोदरे स्वहस्ते निर्माण करी दिला श्री जीवेरे। एक दिन श्री राधा दामोदर
रूप गोस्वामी के स्वप्न में आए और कहा कि मैं जिस रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ ऐसा विग्रह बनाकर अपने शिष्य जीव गोस्वामी को प्रदान करो। श्री रूप गोस्वामी ने राधा दामोदर का सुंदर विग्रह बनाया। जैसे मैंने आज कथा के प्रारंभ में कहा, गुरु शिष्य को सेवा देता है, तो रूप गोस्वामी ने विग्रह बनाया और अपने शिष्य जीव गोस्वामी को राधा दामोदर विग्रह प्रदान किया और जीव गोस्वामी को सेवा मिल गई। राधा दामोदर उनके प्राण धन हो गए और खूब राधा दामोदर को लाड़ लड़ाते, बहुत सुंदर सेवा करते, सुंदर भोजन पकाते, अपने हाथों से भगवान की को सुंदर वस्त्र पहनाते, अभिषेक आदि कराते। कभी कभी ग्रंथ लिखने के कार्य में, महाप्रभु की सेवा में जीव गोस्वामी व्यस्त हो जाते, कहीं चले जाते और राधा दामोदर को भूख लगती तो बांसुरी बजाकर जीव गोस्वामी को बुला लेते और डिमांड करते कि आज बड़ी भूख लगी है, आज मुझे दाल बाटी खानी है, लिट्टी चोखा खाना है, आज मुझे ढोकला खमन खाना है। तो इस प्रकार से ये राधा दामोदर जो ना डिमांडेबल थे, मतलब डिमांड करते थे जीव गोस्वामी को कि आज मुझे ये खाना है, ये खाना है। जीव गोस्वामी कितने प्रसन्न होते होंगे। इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर कथा शिपा जीव गोस्वामी की है। धीरे धीरे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये सब का जाना हुआ। जैसे हमने सुना, जैसे ही उम्र हुई, समय हुआ, सब भगवान की लीला में जाने लगे। एक दिन की बात, अब तो जीव गोस्वामी का साम्राज्य छा गया, मतलब भक्त विद्वत समाज में। दिल्ली के दरबार में अकबर बादशाह के मन में प्रश्न हुआ कि मैं ये जानना चाहता हूं, गंगा बड़ी के यमुना। बड़े बड़े विद्वान आए लेकिन सब कंफ्यूज, गंगा बड़ी यमुना बड़ी गंगा। बीरबल ने कहा कि इसका जवाब तो एक ही आदमी दे सकता है। बोले कौन? बोले इसका जवाब वृंदावन स्थित जीव गोस्वामी दे सकते हैं। और जीव गोस्वामी का नियम था कि एक दिन या एक रात भी ब्रज से बाहर नहीं रहना है, ये उसका प्रण था, नियम था। तो राजा ने ऐसी व्यवस्था की तेज गति से कि दिल्ली पहुंचे और फिर से वृंदावन वापस आ जाए। और जब दिल्ली के दरबार में जीव गोस्वामी को बिठाया गया और पूछा गया कि यमुना बड़ी के गंगा, तो जीव गोस्वामी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, सुनिए। जीव गोस्वामी कहते हैं, ब्रह्मा के कमंडलते शंभु जटा मंडलते, प्रचंड गिरी खंड नते धारा योत बही है, तीनों लोक पावन को आपदा न सावन को, जाके गुणवान को वाणी यो चाहत है। बोले गंगा की मैं क्या महिमा बताऊं, भगवान श्री विष्णु के चरणों का जल जो ब्रह्मा ने कमंडल में धारण किया, शिव जी ने अपनी जटा में धारण किया और त्रिभुवन को पवित्र करने वाली, सगर के 60,000 पुत्र को वैकुंठ पहुंचाने वाली गंगा गंगा है। गंगा जी की बड़ी महिमा गाई और फिर अंत में इतना ही कहा कि इतनी महिमावान गंगा मात्र भगवान श्री कृष्ण का चरण का जल है, लेकिन यमुना, गंगा तो कृष्ण के चरणों में रहती है लेकिन यमुना को भगवान कृष्ण अपने हृदय में धारण करते हैं। यमुना कृष्ण की पटरानी है। सभा में तालियां बजी, समझने वाले समझ गए और दिल्ली के बादशाह प्रसन्न हो गए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब राजा प्रसन्न हुए तो जीव गोस्वामी को कहे, जो चाहिए मांगो, आज मैं बहुत खुश हूं। जीव गोस्वामी ने कहा, दो चीज चाहिए। बोले एक कि तुम ये जो जीव हिंसा करते हो ना, ये गो हिंसा, पशुवध, गो हत्या, ये बंद कर दो। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर देंगे। और दूसरा, बोले दूसरा मुझे कागज चाहिए, क्योंकि मैं ग्रंथ लिख रहा हूं ना तो मेरे पास कागज की बहुत कमी पड़ती है। मैंने पहले कहा 4,00,000 श्लोक लिखे इन्होंने, तो कागज तो चाहिए। ये साधु संन्यासी, इनके पास पैसे कहाँ,
तो मुझे कागज दीजिए। अब हमारे पास इतने कागज है लेकिन लिखने के आलसी है। इतनी अच्छी अच्छी बातें कथा में होती हैं, मन भी करता है कि कुछ लिखे लेकिन आलस। लेकिन धन्य है हमारे आचार्यों को लिखना था लेकिन बिचारों के पास कागज नहीं था। और जीव गोस्वामी का पांडित्य मैं आपको बताऊं, वो इतना जल्दी, इतने विद्वान थे, इतना श्लोक धड़ाधड़ 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 लिखते थे। तो उस टाइम तो इंक पेन होती थी ना, वो इंक पेन जब लिखकर पेज खत्म करते तो इंक सूखती नहीं थी, तो पेज के पीछे तो लिख ही नहीं पाते थे क्योंकि वो इतना जल्दी लिखते थे। वो गीला गीला ही पेपर रहता था, उसको छोड़कर दूसरे पेपर पर लिखना पड़ता था, तो पेपर भी बहुत लगते थे और उनको इंक सोखने के लिए रुकना पड़ता था। ये सारी परेशानी, इस टाइप की उल्टी परेशानी थी इन आचार्यों को, हमसे बिल्कुल उल्टा। तो कहा, राजन तुम यदि प्रसन्न हो तो मुझे कुछ पेजेस दे दो, पत्ते दे दो, मैं लिख सकूं। राजा ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक आप इस धरती पर हो, आपके पेपर की सप्लाई दिल्ली के दरबार से होगी। आपको जितना पेपर चाहिए, जितना लिखना है लिखो, तो दिल्ली के दरबार से जीव गोस्वामी के लिए पेपर की व्यवस्था हो गई। भक्तों, जीव गोस्वामी के अनेकों शिष्य हुए, उनमें से प्रमुख हुए श्री निवास, श्री नरोत्तम दास और श्री दुखी कृष्ण दास। ये दुखी कृष्ण दास को ही श्यामानंद प्रभु कहकर जीव गोस्वामी नहीं उनका नाम बदला। बोले, कृष्ण दास होकर कोई दुखी थोड़ी रहता है, तुम आज के बाद श्यामानंद हो। तो जीव गोस्वामी ने श्यामानंद, ये तीन शिष्य बनाए। और श्रीनिवास आचार्य को ज्ञान देकर प्रिपेयर किया और जीव गोस्वामी ने जो ग्रंथ लिखे थे वो ग्रंथ उनको दिया। और श्रीनिवास आचार्य को बांग्लादेश, तो श्रीनिवास आचार्य को बांग्लादेश भेजा। नरोत्तम दास ठाकुर को बुक्स किताब देकर आसाम, भारत में ना आसाम, आसाम में भेजा। और श्यामानंद जी को किताब आदि देकर उड़ीसा में भेजा। और इससे श्री चैतन्य महाप्रभु के सर्वोत्कृष्ट मत और सिद्धांत का प्रचार पूरे भूमंडल पर प्रारंभ हुआ। फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन। आचार्यों ने ग्रंथ तो लिखे रूप सनातन, लेकिन उस ग्रंथ का डिस्ट्रीब्यूशन जो है जीव गोस्वामी ने शुरू करवाया। और जीव गोस्वामी के माध्यम से श्री निवास आचार्य, नरोत्तम और श्यामानंद प्रभु ने किया। मीराबाई का नाम तो आपने सुना है ना, मारवाड़ की मीरा। जीव गोस्वामी के पास जब उनका मिलन हुआ तो मीराबाई के गुरु का जिक्र नहीं होता, लेकिन मीराबाई ने जीव गोस्वामी का को अपना गुरु बनाया। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। मीराबाई को लगनी लागी थी, लेकिन मीराबाई तो आप उनके भजन, उनकी रचना जानते हो, केवल कृष्ण को जानती थी। लेकिन जीव गोस्वामी को मिलने के बाद मीराबाई ने एक भजन गाया जो आपके सामने स्क्रीन पर है। ये मीराबाई का भजन है। क्या कहती है मीरा? अब तो हरि नाम की लो लागी, सब जग को यह माखन चोरा, नाम धर्यो वैरागी, हरि नाम की लो। क्या करूं, भजन अच्छा है और पूर्णाहुति का समय आ चुका है, लेकिन मीराबाई ने चैतन्य महाप्रभु का जिक्र किया। आज भी वृंदावन में मीराबाई और जीव गोस्वामी की मिलन स्थली है। मीराबाई ने जीव गोस्वामी से विद्या शिक्षा ग्रहण की और हरि नाम का स्वीकार किया, श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार किया। क्या कहती है मीरा, शब्द देख लीजिए, अब तो हरि नाम की लौ लागी।
सब जग को यह माखन चोरा, पूरे जगत के लिए ये माखन चोर है, लेकिन कलयुग में नाम धैर्यो वैरागी, कलयुग में वही वैरागी हो गया। कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी, मीराबाई कहती हैं कितनी उन्होंने उस मोहन ने मुरली छोड़ी और गोपियों को छोड़ी और इन सब को छोड़कर मुंड मुंडाए डोरी कटी बांधी माथे मोहन टोपी, मुंड मुंडा दिया उस कृष्ण ने और जनोई आदि धारण करके चैतन्य महाप्रभु का रूप बना लिए। आगे कहती हैं मात यशो मति माखन कारण बांधे जाके पाऊं श्याम की किशोर भयो नव गोरा, गोरा माने गोरांग महाप्रभु, श्याम किशोर भयो नव गोरा चैतन्य जाको नाम। ये मीराबाई की रचना, मीराबाई ने चैतन्य महाप्रभु का जिक्र अपने भजनों में किया। पीताम्बर को भाव दिखावे कोटी कोपिन कसे, कटी कोपिन कसे गौर कृष्ण की दासी मीरा रसना कृष्ण बसे। तो चैतन्य महाप्रभु की ये दासी है मीरा, जिसकी रसना निरंतर इनका नाम लेती है। तो इस प्रकार से श्रीपाद जीव गोस्वामी का मानव समाज के लिए बहुत, जीव गोस्वामी ने अपने जीवन काल में प्रमुख रूप से 15 ग्रंथ लिखे, कितने 15 ग्रंथ, और इन 15 ग्रंथों में 400,000 श्लोक, अद्भुत। यदि षड संदर्भ को केवल एक नाम दिया जाए तो, नहीं तो 20 हो जाएंगे। तो सबसे पहले जीव गोस्वामी ने हरि नामामृत व्याकरण लिखा। अब इसके अंदर क्या क्या है सब बताने जाएंगे तो बड़ा विस्तार होगा। तो पहला हरि नामामृत व्याकरण, दूसरा श्री गोपाल विरुदावली, भगवान कृष्ण की विरुदावली, उनके लक्षण बताए। तीसरा ग्रंथ लिखा भक्ति रसामृत सिंधु शेष, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा लेकिन उसमें जो शेष चीज बच गई थी वो इन्होंने लिखी और उस पर टीका लिखी, भक्ति रसामृत सिंधु शेष। चौथा ग्रंथ लिखा श्री माधव महोत्सव। पांचवा ग्रंथ लिखा श्री संकल्प कल्प द्रुम। छठा ग्रंथ भागवत संदर्भ और षड संदर्भ। अब षड संदर्भ को यदि ले लिया जाए तो छह संदर्भ कौन से हैं, तो तत्व संदर्भ, भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ। इस प्रकार से कुल मिलाकर 11 ग्रंथ हुए। 12वां ग्रंथ लिखा सर्व संवादिनी। 13वां ग्रंथ लिखा क्रम संदर्भ, श्रीमद् भागवत के ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर टीका लिखी और भी एक टीका लिखी लघु वैष्णव तोषिणी। फिर 15वां ग्रंथ लिखा राधा कृष्ण अर्चन दीपिका, किस प्रकार से राधा कृष्ण की सेवा पूजा आदि करनी चाहिए। फिर उन्होंने टीका लिखी ब्रह्म संहिता, फिर अग्नि पुराणार्थ गायत्री, फिर गोपाल तापनी टीका, फिर भक्ति रसामृत सिंधु पर उन्होंने टीका लिखी। उन्होंने और एक ग्रंथ लिखा उज्ज्वल नीलमणि, और एक ग्रंथ लिखा पद्म पुराणोक्त कृष्ण के चरण चिन्ह। जीव गोस्वामी ने कृष्ण के चरण चिन्हों पर बहुत सुंदर व्याख्या की। फिर और आगे ग्रंथ लिखा उज्ज्वल नीलमणि, राधिका कर पद चिन्ह, राधा रानी के चरण चिन्हों पर उन्होंने एक पूरा ग्रंथ लिख दिया। और ग्रंथ लिखा सूत्र मालिका, फिर भावार्थ सूच चंपू, फिर योग सार तत्व। इस प्रकार से असंख्य ग्रंथ, और हाँ सबसे बड़ा ग्रंथ उन्होंने लिखा गोपाल चंपू, बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन मोटे मोटे 2 ग्रंथों में है। इस प्रकार श्री वेदव्यास मुनि ने अपने जीवन काल में जितने श्लोक लिखे थे उतना ही इन्होंने लिख दिया। इतना ही नहीं, आज वृंदावन में सेवा कुंज देख रहे हैं ना, सेवा कुंज, ये सेवा कुंज दिल्ली के दरबार के राजा के पास से उन्होंने एग्रीमेंट बनाकर जीव गोस्वामी ने ही भगवत सेवा में लगाया था
और वो आज एग्रीमेंट भी हमारे पास है। राधा कुंड का जीर्णोद्धार कराया। इतना ही नहीं, नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा माता जब मायापुर से एक चक्रा से यहाँ पर आई ब्रज में, तब जीव गोस्वामी ने ही जानवा माता को वृंदावन की परिक्रमा करवाई। श्रीपाद जीव गोस्वामी 85 वर्ष तक इस धरती पर रहे, उनमें 65 वर्ष 65 ईयर वो वृंदावन में रहे, और फिर संवत 1653 या ईस्वी सन 1566 पौष शुक्ल तृतीया तिथि को श्रीपाद जीव गोस्वामी अपनी नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। और आज श्रीपाद जीव गोस्वामी की समाधि राधा दामोदर मंदिर के पीछे आप दर्शन कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। इस प्रकार से संक्षिप्त में श्रीपाद जीव गोस्वामी के विषय में हमने श्रवण किया। अब जो घड़ी कोई नहीं चाहता वो घड़ी आ चुकी है। सो हम सब समय की मर्यादा में बंधे हैं और समाप्त तो करना ही होता है, लेकिन जितना भी समय आप सब के साथ बीता और आप सब के साथ बैठकर इन षड गोस्वामी आचार्यों के विषय में श्रवण चिंतन मनन किया, हृदय में बड़ा आनंद और उत्साह हुआ। आचार्यों की जीवनी से कहीं ना कहीं हम प्रेरणा ले सकते हैं और जीवन को धन्य कर सकते हैं। मेरी कोई योग्यता नहीं कि मैं इन आचार्यों के विषय में कुछ बोलूं कुछ कहूं, क्योंकि जीवन अनेकों प्रकार के दोषों से घिरा हुआ है, दोषों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हृदय में लोभ है और आप सब की कृपा आशीर्वाद, हमने एक विनम्र प्रयास किया। हो सकता है इस वक्तव्य में अनेकों त्रुटियां हो, आप इन त्रुटियों को क्षमा करके इसके सार को ग्रहण करके अपने जीवन को योग्य मार्ग पर ले जाइए, भक्ति में आगे बढ़िए। और मेरे जैसे पामर जीव को आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें कि हम भी इस आचार्यों के पद चिन्हों पर चल सकें। इन आचार्यों ने जो किया ना, उसका 1% नहीं, 1% का भी 1%, 1 पॉइंट, 1 सीकर भी यदि हमारे जीवन में आ जाए ना, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इन आचार्यों के जीवन में अनेकों कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा। आप सब भक्तों से यही निवेदन, यही कृपा की भीख मांगते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन इस पवित्र परंपरा को हम न छोड़े, गुरुदेव के चरण को न छोड़े, गुरुदेव की कृपा और इस पवित्र धारा को हम न भूले, ऐसी कामना और आशीर्वाद की भीख मांगते हुए इस भागवत कथा का हम विराम करते हैं। आइए जय जयकार के साथ भागवत कथा का विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, वृंदावन धाम की, षड गोस्वामी की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।